केरल में भारी बारिश के कारण हुई तबाही में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के साथ राज्य में उत्पन्न स्थिति पर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने की दी सलाह। नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों की छमाही बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। 5 दिन के सम्मेलन में नौसेना के संचालन और सामग्री से संबंधित तैयारियों तथा भविष्य की योजनाओं पर होगा विचार विमर्श। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख विपिन रावत और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, सेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ नौसेना कमांडरों को करेंगे संबोधित। भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक का नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजन। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। कोरोना के दौरान भाजपा पदाधिकारियों की पहली विस्तारित बैठक। देश में अब तक 97,79,00,000 से अधिक का टीकाकरण। स्वस्थ होने की दर हुई 98.12%। वहीं संक्रमण से अब तक 3,34,00,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में सभी पात्र आबादी को निर्धारित लक्ष्य से 3 माह पूर्व ही लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। राज्य के 74,00,000 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 34,68,000 लोगों को लगाई जा चुकी हैं दोनों डोज। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गरज के साथ आंधी तूफान और तेज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने कल के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब खबरें खेल जगत से। T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से, वहीं पाकिस्तान से वेस्टइंडीज की होगी टक्कर।